से करवाने की मांग को लेकर प्रदेश में चलाई जा रही मुहिम तबादला नहीं तो वोट नहीं के क्रम में कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में पाली जिले के रोहट ब्लॉक में शिक्षक साथियों से मुलाकात हुई और सभी ने तबादला नहीं तो वोट नहीं कि ये मुहिम उसको समर्थन दिया और सभी ने विश्वास जताया कि इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और इन सभी के माध्यम से मैं सरकार से स्पष्ट तौर से कहना चाहूंगा कि ये शिक्षक अब जाग चुका है। ये मारवाड़ मेवाड़ के शिक्षक जो यहाँ काफी समय से लंबी नौकरी कर रहे हैं, जहां भी जा रहा हूँ इस मुहिम को लेकर साथी तैयार हो रहे हैं और सभी ने एक स्वर में कहा है तबादला नहीं तो वोट नहीं, तबादला नहीं तो वोट नहीं। सरकार समय अभी भी शेष है, तबादलों की राहत इस शिक्षक समुदाय को दे क्योंकि ये आपके सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर शिक्षा विभाग की रीढ़ की हड्डी का काम करता है। यदि आने वाले चुनाव में इस वर्ग ने ठान ली तो आपकी सरकार चौथी बार कह दो सरकार का जो नारा लगा रहे हैं आप, ये नारा धूमिल हो जाएगा। तो माननीय गहलोत साहब जी से भी निवेदन है, शिक्षा मंत्री से भी निवेदन है कि आपके जो बयान आते हैं कि नीतिगत फैसला करेंगे पॉलिसी बनाएंगे, अरे पॉलिसी बनाने वाले भी आप ही हैं और बैंक खोलने वाले भी आप ही हैं, तो हम उम्मीद किससे करें? तो आपसे, इस पाली के रोड ब्लॉक के समस्त शिक्षकों और शिक्षिकाएं बहनों की ओर से अपील करता हूं कि तबादलों को तुरंत खोले और इन्हें राहत दे। तबादला तो होके रहेगा 2023 के अंदर, अब ये फैसला सरकार को करना है कि खुद का करवाना है या शिक्षकों को करवाना है।